सबकी प्यास मिटाता है, जो प्यार और प्रेम का पानी सबको पिलाता है, चाहे घर टूटा हो, चाहे फूटा हो, चाहे हवेली छोटी हो, चाहे खुद को खाने के लिए मिले या नहीं मिले, लेकिन सबकी सुनता है। जो दलित, शोषित, पीड़ित और जो सबसे पीछे खड़ा होकर दर्द के लिए पुकारता है, उसके दर्द को मिटाने के लिए निकलता है, खुद अपनी गर्दन कटवा लेता है, लेकिन गांव में चौराहे पर, चौक पर खड़ा होकर खुद मरने की ताकत रखता है, वही तो ठाकुर का कुआ है। क्या गुनाह कर दिया ठाकुर के कुएं ने? ठाकुर के कुएं ने सबसे बड़ा कुछ काम किया है तो देश के लिए, धरती के लिए, माँ के लिए, स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए, सच्चाई के लिए, हमेशा आगे बढ़कर अपनी गर्दन कटाने का काम किया। तो ऐसे में हम उसको गलत बताना चाहते हैं जो हमेशा सबके लिए जीता है, सबके लिए मरता है, जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माँ बहन बेटी के सम्मान के लिए लड़ता और मरता है, वही तो ठाकुर का कुआ है। और आप मुझे ये बता दीजिए, जब भगवान राम सबरी के झूठे बेर खाते हैं, भक्त शिरोमणि मीरा के गुरु कौन? गुरु रेदास। और जब महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध निकल जाते हैं, और जब राजा हरिश्चंद्र खुद जाकर शमशान में काम करते हैं सत्य के लिए, और अपना मतलब अपना मांस काट कर भी खिला देते हैं लोगों की भूख मिटाने के लिए, अपने बच्चों को अनाथ हो जाते हैं, तो ऐसे में इतना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये देश जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। ठाकुर का कुआ तो ऐसा है जहां जाट, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, एसटी, एससी सब मिलकर उसको अपना मानते हैं। पहला हक ठाकुर के कुएं पर किसी का है तो गांव का है, सबका है। जहां अगड़े की पिछड़े की बात नहीं होती, वही तो ठाकुर का कुआ है। तो ऐसे में रणभूमि पर जो मर जाए, मिट जाए, जो आज भी ये कहे कि मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, वही ठाकुर का कुआ है। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, इस राजपुताना की धरती पर जहां बलिदान और शौर्य का इतिहास लिखा गया, जहां महाराणा प्रताप ने एक ही बात कही कि सब जाति धर्म को साथ में लेकर लड़ूंगा, मरूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, तो उनकी सेना का सेनापति एक मुसलमान पठान हाकिम का सूरी बना, एक भामाशाह वेश्य समाज के व्यक्ति बने, एक पुंजा भील भीलों के सरदार बने, एक भामाशाह वेश्य समाज के बने, चार सेनापति बने, और देश और धर्म की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी। तो यहां झगड़ा महाराणा प्रताप या महाराजा सूरजमल का नहीं है, यहां झगड़ा इस बात का हो गया कि हम अपनी राजनीति को चमकाने के लिए झूठी बात यदि सदन में, विधानसभा और लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं, तो ये देश के साथ धोखा है। और धोखा, देश के साथ धोखा करने का, जातिगत टकराव खड़ा करने की कोशिश करने का, धर्म में टकराव खड़ा करने की कोशिश करने का अधिकार ना बीजेपी के नेताओं को है, ना कांग्रेस के नेताओं को है। हम जातिगत मर्यादा हमें रखनी पड़ेगी। खाचरियावास की धरती की मिठोड़ी कुएं का पानी पूरा गांव पीता है, वहां ना कोई अगड़ा है ना पिछड़ा है। सबसे पहला अधिकार किसका? जो पीछे रह गया, दलित है, शोषित है, उसका। तो यहां ना किसी जाति का टकराव है, ना अगड़े और पिछड़े का है। यहां सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए जो लोग गलत भाषा का प्रयोग करें, उनको समझ लेना चाहिए, ये राजस्थान की भाषा नहीं है, ये प्यार और प्रेम की भाषा नहीं है। इस भाषा से अलग निकलिए, हमारा प्यार और प्रेम बना रहना चाहिए, हमारा राजस्थान और हिंदुस्तान जातिगत टकराव से और धर्म के टकराव से ऊपर उठकर तिरंगे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसे किसी को टारगेट मत करो, सबका सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है। जय हिंद।